हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल लर्न विद पायल में। तो गाइस, आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। यहाँ पर मेरे से कई लोग ये पूछ रहे हैं, मैम अगर नई केस स्टडी आ जाए तो उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, चाहे केस स्टडी नई हो या ओल्ड हो, तरीका एक ही रहेगा। आप पहले क्वेश्चन से रीड करना स्टार्ट करना, कभी भी ऊपर से मत पढ़ना, चाहे वो SCMP हो, चाहे इकोनॉमिक लॉ हो, कोई भी हो, कोई भी केस स्टडी हो, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा कि आपसे पूछा क्या है, फिर आप केस स्टडी को पढ़ते हो तो आपके लिए वहाँ ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। आप केस स्टडी पढ़ते टाइम ही आंसर देने लग जाओगे कि हाँ ये चीज़ें नीचे पूछी गई थी, तो यहाँ ये क्वेश्चन है। तो नई केस स्टडी आई है उससे तो फायदा है ना, बल्कि फायदा क्या है, देखो अगर ओल्ड होगी तो पहले आप उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे, नई होगी तो उसको क्या सिंपल से अपने दिमाग से करना स्टार्ट कर दोगे। देखो सिंपल सी बात है, अब इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरी पूरी केस स्टडी उठ कर आ जाए, तो पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट्स मिल जाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा ज़्यादा ढूंढने से, ठीक है। तो आपको फोकस करना है स्टडी मटेरियल पर, जिससे कि आप अपनी नई केस स्टडी को इजीली टैकल कर सको। नई केस स्टडी सॉल्व करने का सिंपल सा एक ही तरीका, आपको सिंपल स्टडी मटेरियल पर ग्रिप होनी चाहिए विद द इंडेक्स, ठीक है, दोनों पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने केस स्टडी बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करी। लाइक मैं स्टार्टिंग से कहती हुई आ रही हूँ कि यार आपको केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो सकते हैं कि प्रिंट तो करा कर लाए लेकिन वो इतने सारे पेजेस मम्मी को पराठे लगाने में दे दिए, तो वो कुछ काम की रही नहीं उनके लिए। तो गाइस, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी, आपको मैंने टोटल 15-17 केस स्टडीज पे चैनल पर डाली हुई है। आप जस्ट केस स्टडी को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, लाइक उनके लिए भी है जिन लोगों ने कर चुके हैं, आपको केस स्टडी सॉल्व किस तरीके से करते हैं इसके लिए कुछ केस स्टडी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। आप एक बार देखो कि मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताया कि किस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, तो आप 2-4 केस स्टडी उसमें से देखकर जाओ, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। इस टाइम मैं ये नहीं बोलूंगी आपने नहीं कराया तो आप केस स्टडी डाइजेस्ट में घुस जाओ, देखो ये गलती मत करना। May 22 में सबसे ज्यादा लोगों ने यही गलती करी थी, स्टडी मटेरियल और इंडेक्स को छोड़कर टाइम केस स्टडी डाइजेस्ट में लगे हुए थे, क्योंकि उससे पहले वाले अटेम्प्ट में पता है 3-4 केस स्टडी पूरी सेम उठ कर आ गई थी, तो उनको लग रहा वैसे ही होगा। ऐसे यार अब इतनी पागल नहीं है, आपको पता है ग्रुप 1 के एग्जाम कैसे जा रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप स्टडी मटेरियल पर फोकस करो, कंटेंट पे फोकस करो जो आपका मेन कंटेंट, ठीक है। तो गाइस यही एक तरीका है, केस स्टडी नई आए पुरानी आए, आपको स्टडी मटेरियल पर फोकस, अगर आपका वो अच्छे से प्रिपेयर है तो कोई भी नई केस स्टडी हो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, विश यू गुड लक।